बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल, महरूमियाँ, यहाँ के वसाइल और जो नेचुरल ब्यूटी है, कुछ डिपार्टमेंट्स बड़े ही जो है वो हम बोलें कि इम्पोर्टेंस रखते हैं। जो एरिया की स्टेबिलिटी है उसके ऊपर अक्सर औकात हमने बात की है अपने टॉक शोज़ के ज़रिए से, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए से आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाए हैं। आज नाज़रीन, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बड़ा जो है ना अहम किरदार अदा करता है सोशल सेक्टर में भी और ओवरऑल जो एक खत्ते की हम कहें कि फलाह बहबूद के लिए। अब ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इस पे एलिगेशंस भी काफ़ी लगते हैं, पब्लिक भी लगाती है, ऑफिशियल्स भी लगाते हैं। अब इस डिपार्टमेंट को या इसकी अहमियत व अफादियत को किस तरह से सामने आना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एट दिस टाइम आई एम विद सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन सैयद अख्तर रिजवी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट की जो सिग्निफिकेंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, आवाम को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, और चंद जो है ना अहम बातों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, इनसे बातचीत शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले अगर हम बात करें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो एक सिग्निफिकेंस होनी चाहिए ओवरऑल, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्लॉट निकाल के ये डिपार्टमेंट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू और इंट्रोडक्शन देने का मौका फ्राहम किया, आपका शुक्रिया। मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो महकमा है एक्साइज एंड टैक्सेशन, ज़कात एन उशर कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट, इसमें हमारे पास ये जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, इसके व्हीकल्स की हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैं, MRA इसको हम कहते हैं, और जितने भी हमारी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनको रेगुलेट करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनकी रिन्यूअल्स करना, और साथ में आपको पता है GB की पेक्युलर जो कंडीशंस हैं उस हवाले से यहाँ पे नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स भी इधर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, काफ़ी है ओवरऑल है, जी हाँ, और इनको भी हम एक हद तक जो है वो रेगुलेट इसलिए करते हैं कि काफ़ी इनके अंदर इश्यूज़ आए, इनके अंदर इनकी ट्रांजैक्शंस में तनाज़ात आए, इनके अंदर क्राइम्स रिपोर्ट हुए पुलिस को, और फिर इनकी ओनरशिप को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए लाजिम ठहरा। तो एक कॉन्सेप्ट के तहत हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हुए एक इंडेक्सेशन का मेकैनिज़म मुतारफ कराया इसमें। इसके तहत आज हम NCP जो नॉन कस्टम पेड तमाम व्हीकल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर इंडेक्सेशन नंबर अलॉट करते हैं, नंबर प्लेट पे वो डिस्प्ले भी होता है और उससे उनकी ओनरशिप भी जो है वो होती है। एक तो ये मोटर रजिस्ट्रेशन वाली साइट है, दूसरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है ये, वो आपकी जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गिलगित से ओरिजिनेट होके दूसरे सूबों को जाती है या वहाँ से इनबाउंड होके यहाँ आती हैं, इन सब के रूट परमिट्स और उनकी रेगुलेशन भी जो है यही महकमा करता है। ठीक, तो आपको अंदाज़ा है कि ये जो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं इनको लुक आफ्टर करना, इनको गाइडेंस प्रोवाइड करना और फिर इनकी जो है वायलेशंस को देखते हुए इनको पिनलाइज करना, ये इसी महकमे का की रिस्पांसिबिलिटी में आता है। आगे जाके इसमें ज़कात एंड उशर का महकमा भी है, एक पर्टिकुलर जो है ना फंड हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हर सालाना ग्रांट अलाट होता है, जिसको हम अपने डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर्स हैं हमारे पास और उस डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटीज़ हैं उनके थ्रू हम डिसबर्समेंट उनकी करते हैं और हकदारान तक जो है वो ज़कात की जो अमाउंट है वो हम पहुँचा देते हैं। सही। इसके अलावा एक जो और हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट। तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त तकरीबन 300 प्लस हमारे पास क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं,
और ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है। इस तरफ हमारी रेगुलेशन भी है, हमारे पास रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के तहत इनको रेगुलेट करता है। ठीक, तो ये मुझे बताइएगा इन तमाम फैक्टर्स में इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टीज एंड द प्रॉब्लम्स, तो किस जो है वो डिपार्टमेंट या किस फैक्टर के ऊपर जो है ना ज़्यादा मुश्किल आती हैं, या एज ए सेक्रेटरी क्या समझते हैं डिपार्टमेंट की क्या है? इसमें देखें, सेक्टर्स तो सारे ही हमारे इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कोई किसी एक साइट को हम ज़्यादा अहमियत और किसी को कम तो इसमें नहीं दे सकते। आपकी ट्रांसपोर्ट को ले लें, आपकी एक्साइज एंड टैक्सेशन वाली साइट को ले लें, आप अपने ज़कात एंड उशर वाली साइट को ले लें, ये सारे ही सेक्टर्स हमें जो है ना वो अपने अपने एम्बिट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ सर्विस है, वो आती होती हैं, लेकिन हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ज़्यादा कंप्लेंट चूँकि पब्लिक के साथ डे टू डे अफेयर में एंगेजमेंट की वजह से आती है, वो हमारे जो एक्साइज ऑफिसेस हैं उनका है, जो पर्टिकुलरली ये जो व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं इनके अंदर पैसेंजर्स की जो कंप्लेंट होती है, किराया ज़्यादा लेने पे, किराया कम लेने पे, रूट परमिट ठीक होने और ना होने पे, एक्सीडेंट्स मेजर हमारे पास विटनेस हुए हैं कुछ हालिया। और अगर मैं ये कहूँ कि ये आए रोज का मामूल भरा हुआ है तो क्या गलत होगा? ऐसा नहीं है, ये कंप्लेंट हमारे पास अपना एक कंप्लेंट का मैकेनिज्म भी मौजूद है जिसके तहत हम भी ऊपर सीनियर सुपरवाइजरी पोजीशंस पे बैठ के देख रहे होते हैं, कंप्लेंट्स आ रहे होते हैं और उनको हम रिड्रेसल भी उनका इंश्योर कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों की हमें उनमें इश्यूज ज़रूर हैं, हमारे ऑफिसर्स को हमारी तरफ से स्ट्रिक्टली जो है ना डायरेक्टिव्स हैं कि कहीं किराया ज़्यादा लिया जा रहा हो तो वो कंपनी से वापस लेके पैसेंजर्स को वापस उनको रिटर्न किया जाए, रिफंड किया जाए। ठीक, प्लस ओवर लोडिंग है या कोई रूट परमिट एक्सपायर्ड कोई बस वगैरह अगर ये लोग चला रहे हैं तो उनको कन्फिस्केट करना, उनको इम्पाउंड करना, ये उनकी जिम्मेदारी में आता है और वो कर रहे होते हैं। लेकिन सेक्रेटरी साहब, एक गुजारिश अगर आपसे ये कहूँ या करूँ कि जब भी कुछ बड़े हादसात आते हैं उसके बाद ही एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स जागते हुए नज़र आते हैं, तो जो आप बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी है, कंप्लेंट आते हैं, यकीनन आते होंगे, उनके हल के लिए कोई इकदाम होते हैं एट अ टाइम? जी बिल्कुल, इसमें अभी जैसे हालिया एक एक्सीडेंट हुआ शतियाल में मशाबरूम बस सर्विस का, और उसकी एक इंक्वायरी कमीशन बैठी, कमिश्नर गिलगित ने उनकी इंक्वायरी की, उसकी रिकमेंडेशन हमें हाल ही में मौसूल हुई हैं, उनकी कुछ बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं जिनको हम अब गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर लेंगे और उसमें वो इश्यूज जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं उनको हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व कर लें। वो लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस हैं, कुछ उनमें शॉर्ट टर्म हैं उनको तो हम इमीडिएटली एड्रेस कर लेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है जिसमें गवर्नमेंट का फंड इन्वॉल्व हो और जिसमें कुछ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जिसमें रिक्वायरमेंट हो उसमें हम थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो रिकमेंडेशन हम कम्प्लीटली जो है ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलें, ठीक हो गया। सेक्रेटरी साहब, इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज, बिकॉज आपके डिपार्टमेंट के हवाले से मिसकंसेप्शंस भी कुछ ज़्यादा हैं, फिर हम ये कहें कि रूमर्स भी काफ़ी फैलते हैं और ऑफिसर्स की कुछ एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी होती है उनको वही निभाना होता है, बट पब्लिकली वो लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं करते, सो एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स? देखें, इसमें एक लिमिटेड सफियर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई होती है हर ऑफिस को, मैं अगर इस ऑफिस में बैठा हूँ सेक्रेटरी तो मेरा एक लिमिटेड जो है वो पावर्स एक्साइज करने का एक सफियर है, उससे मैं उसको मैं खुद ही एक्सपेंड कर लूँ और उससे एक्सेस कर लूँ तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। यही मेरे सारे ऑफिसर्स के लिए हमारी तरफ से डायरेक्शन है, हम रिटर्न में भी, सर्कुलर्स में भी, नोटिफिकेशंस में भी ये चीज़ बरहा उनको बताते होते हैं कि अपने पावर्स को राइटफुल एक्सरसाइज कर लें, गलत एक्सरसाइज ना करें, कोई एक्सेस ऑफ जो है ना वो पावर ना करें, पब्लिक को अल्टीमेटली जो सर्विस मिलनी है वो मिलनी है, वही ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट्स का और वही ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को, स्टेट के इंटरेस्ट को, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए पब्लिक को थोड़ी सी रिलीफ अगर कोई भी ऑफिस दे पाता है
तो वही एक्चुअल अचीवमेंट होती है। और ये हम मैसेज जो है ना वो दे रहे होते हैं पब्लिक के लिए, ये हम ज़रूर उनको आपके चैनल के वसात से ये पैगाम देने की कोशिश करूँगा। पर्टिकुलरली जो व्हीकल्स जो है वो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स जो सड़कों पे हैं और जिनकी वजह से हमारे आए दिन इश्यूज़ हैं सड़कों पे, ट्रैफिक जाम के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ और एक्सीडेंट के इश्यूज़ हैं, तो इसमें तावुन करें। हम स्नैप चेकिंग्स करते हैं, हमारे नाके लगते हैं, पुलिस के साथ मिल के हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। आपके मसलन फ्लैशर लाइट्स हैं, आपके शीशे काले किए जाते हैं और ऐसी वायलेशंस हैं जो कि छोटी छोटी वायलेशंस हैं, लेकिन ये वायलेशंस जब एक्यूमुलेट होती हैं तो इनका एक जो आउटकम आता है वो बहुत डिज़ास्टर की शक्ल में आता है। तो मैं पब्लिक से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी इस तरह की सर्च और इनके नाके लगें और इनके चेकिंग्स हों तो तावुन करें, पुलिस के साथ भी तावुन करें, अपनी स्पीड को कंट्रोल रख के चलाएं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर लें और कोशिश करें कि जो अमला आपके साथ जो है ना सड़क पे 24 घंटे पुलिस की शक्ल में, एक्साइज पुलिस की शक्ल में और इदारों की शक्ल में खड़े होकर आपको सर्विस देने की कोशिश में लगे हुए हैं, तगदों में लगे हुए हैं, उनके साथ तावुन करें और उनके बर्दाश्त को, उनके तहम्मुल को अप्रिशिएट करें, ना कि उनके साथ जो है वो कन्फ्रंट करें और लड़ाई झगड़े का सबब बने। चलें, थैंक यू सो मच अख्तर रिजवी साहब टाइम देने के लिए और ये आवाम को जो है ना इस हवाले से अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम नाज़रीन, आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें काफ़ी सेक्टर्स हैं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, बल्कि आज के प्रोग्राम में नाज़रीन सेक्टर साहब ने कहा कि कंप्लेंट सेल भी बना हुआ है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसपोर्टर्स और एज वेल एज पब्लिक के लिए भी कि कोई भी कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट सेल में जो है वो यकीनी बनाएं कि अपने कंप्लेंट्स मौजूद हों और उस कंप्लेंट्स को सुनना, देखना और उसको हल करना यकीनन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो डिपार्टमेंट या फिर यहाँ के ऑफिसर्स की ही नाअहली होगी। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छा काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।